सो हे गेम गैंग, स्वागत तुम सभी का एक और ब्रांड न्यू पैसा वसूल पबजी नोबिलिटी हिंदी वाली गेम प्ले वीडियो में। वैसे पैसा वसूल तो हमेशा ही होता है, मजेदार पबजी नोबिलिटी हिंदी वाली गेम प्ले वीडियो में। फिलहाल न्यू अपडेट आ रखा है यार, टीडीएम वेयर हाउस वापस से आ चुका है, तो जाओ जिसने भी अपडेट नहीं किया ना, वैसे बहुत सारे लोगों ने अपडेट नहीं किया जिसके चलते गेम में बॉट्स कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो जाओ किसी लीक्स वगैरह वालों की वीडियो देखो और जल्दी से जल्दी गेम अपडेट करो, क्योंकि यार बॉट्स तंग आ चुके हैं बहुत ज़्यादा। रियल बंदे दिख ही नहीं रहे, जो भी दिख रहे हैं ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन उतने में गेम प्ले का जुगाड़ नहीं हो पा रहा, तो जाओ जल्दी से जाकर अपडेट करो ताकि थोड़ा मजा आए खेलने में और बॉट्स वगैरह से छुटकारा मिले। फिलहाल यहाँ पर तुम किस्मत देखना, जिसे कहते हैं किस्मत। वैसे इस बेहुदा चीज को किस्मत नहीं कहा जाता, इसे तो स्किल्स बोला जाता है, लेकिन अब जो कहते हैं उसे किस्मत बोला जा सकता है, क्योंकि यार चार बंदे बैक टू बैक तुम्हारे सामने परोस के दिए जा रहे हैं, इससे बड़ी चीज और तुमको क्या चाहिए। और वैसे किसी ने तो मुझे बोला था कि यार इस अपडेट में ना एस्ट्रोल्के का डैमेज भी कम हो चुका है, लेकिन घंटा भाई साहब वैसे का वैसा एस्ट्रोल्के, रद्दी भर भी इसका डैमेज कम नहीं हुआ। फिलहाल यहाँ पर एक और बंदा नॉक पड़ा है जो कि इधर कहीं पर तो घसीट रहा है, और इस गेम प्ले में ना स्टार्टिंग में जितनी किस्मत मेरी चमकी थी ना, आगे बस आधे रास्ते पर पहुंचते ही सारी किस्मत चली जाती है भाड़ में, क्योंकि यहाँ पर हमको एक जादूगर मिलने वाला है और ये जादूगर अपने पूरी स्क्वाड को छोड़कर बस मेरे को ही चुनता है। देख रहे हो बंदे ने दो गोली में नॉक किया, और स्पीड देख लो तुम बंदे की भाई साहब, कतई फ्लैश हो रखे हैं, और दो गोली में मेरे को फिनिश भी कर दिया, और लाल सा भाई मतलब मेरे को ही फिनिश करना है, पता है उस बंदे को पेटी बनने वाली है, चार चार बंदे जो चढ़ रहे हैं उसके ऊपर। खैर अपना सेकंड गेम प्ले लगा लेते हैं, और ये गेम प्ले भी मैं रैंडम्स के साथ खेल रहा था, पायलट प्लाजा नहीं, थर्ड हिल जा रहे हैं, मतलब अरसों के बाद थर्ड हिल जा रहे हैं, और तुम लोग शायद 10-20 गेम प्लेस देखने के बाद आज पहली बार बहुत दिनों के बाद थर्ड हिल में उतरते हुए देखोगे हमको, जहाँ पर बंदे तो बहुत सारे आ रखे हैं, उतरते ही गन वगैरह भी ठीक ठाक मिल जाती है, बजाते हैं फिर बंदों को। मेरा नेट ना सही बता रहा हूँ इतनी बुरी तरह से हक रहा था, देख रहे हो 250 से ऊपर का ही पिंग आ रहा, और मेरे जस्ट मुंह के सामने से मेरा टीममेट टॉमी उठा के चला गया, मैं उठाता रह गया और मेरे को मिली ये शॉटगन, जिससे कि एक बंदे को बजा दिया गया। यहाँ पर अभी इसके और भी टीममेट है जिसमें से एक दो का किल तो निकाल ही लेंगे। अब हमारा एक जो रैंडम टीममेट है यहाँ पर हो जाता है नॉक, तो फिर क्या था, मेरे अंदर का शैतान जागा और सीधा चले जाते हैं किल के चक्कर में, किल के लालच में आए थे यहाँ पर, और अच्छा खासा एक बंदे पे एंगल निकलता है यहाँ से। और ये भाई साहब पता नहीं कौन सा गांजा फूक के यहाँ से जा रहे थे, प्लस मेरा टीममेट देख रहे हो निहत्था यहाँ पे छुप के बैठा हुआ था बेचारा, बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकला, प्लस मैंने आके इसकी जान बचाई है। अब काफी सही चीजें यहाँ पे मिल जाती है, गन वगैरह अच्छी खासी हो जाती है, एक आधा बॉट भी निपटाएंगे, जैसे मैंने तुमको बताया कि अपडेट हो अपडेटेड हो रखा है गेम, लेकिन बहुत सारे बंदों ने अपडेट नहीं किया हुआ है, अभी भी ओल्ड वर्जन खेल रहे हैं, इसके चक्कर में बॉट कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे बंदे और बचे हुए जिसमें जो कि मेरे दो टीममेट को नॉक डालकर फिनिश भी कर देते हैं। वैसे गुस्सा ना इसी से नहीं आता कि गेम में बॉट ज़्यादा आते हैं, गुस्सा तब आता है जब ऐसे इंटेंस सिचुएशन के बीच में बॉट को ठिला मतलब खड़ा कर दिया जाता है सामने लाकर, और इसी चक्कर में बॉट से मेरी पेटी बन चुकी है बहुत बार, और अगर तुम्हारे साथ भी हुआ ऐसा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, लेट मी नो किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि बॉट उसकी पेटी बना के गया, मेरी बहुत बार बना के गया भाई, 2-3 बार तो पक्का पेटी बनाई है, ऐसे मतलब इंटेंस सिचुएशन के बीच में आ जाता है बॉट, क्या ही बताएं। वैसे ये जो हमारे रैंडम टीममेट है ये भाई साहब M24 लेकर यहाँ पर बॉट निपटाने के लिए आए थे, मेरे को पता था इस घर के अंदर एक बंदा तो घुसा पड़ा है जो कि ऊपर से अपनी खोपड़ी दिखा रहा था, और
हमने इसकी खोपड़ी फोड़ दी, अगर इसकी खोपड़ी हम ना फोड़ते तो ये हमारे रैंडम टीममेट की खोपड़ी फोड़ दे, जो कि एक ही बचा हुआ है बेचारा, और ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले आगे जाकर फिलहाल, क्योंकि मैच डू वर्सेस स्कॉट का है यहाँ से, तो फाइट भी बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। नहीं यार, नहीं देखने को मिलेगी, गेम अपडेट अभी तक किसी ने नहीं किया, ज़्यादातर बॉट ही मिलेंगे, लेकिन जो बंदे मिलेंगे काफ़ी तगड़े बंदे मिलेंगे। वैसे अगर तुम लोगों को यहाँ पे पता नहीं चला हो तो बहुत लंबा पार्ट मैंने काटा इस वीडियो का, क्योंकि बंदे थे ही नहीं यार, ढूंढने पड़ रहे थे बंदों को, कतई कोना कोना छान मारना पड़ रहा था। अब यहाँ पर बड़ी मुश्किल से एक हमको यूएसजेड दिखता है, जो कि बंदा घुमा जा रहा था, और मैंने अभी तक गेम को डाउनलोड तो कर लिया, अपडेट कर लिया, लेकिन इसके रिसोर्स पैक डाउनलोड नहीं किए, जिसकी वजह से मेरे को सभी चीज़ें विदाउट स्किन की दिखती हैं, तो एडजस्ट कर लेना। ये मत कहना कि नूब बंदे हैं सारे के सारे, सारे बहुत ही तगड़े बंदे यार, बस मैंने रिसोर्स पैक डाउनलोड नहीं किया। अब इस बंदे के पीछे हम लोग बहुत देर तक गाड़ी घुमाते रहते, और ये भाई साहब हमारे रैंडम टीममेट पता नहीं क्या ही कर रहे थे, इतना ज़्यादा शौक था इनको M24 चलाने का, जो गाड़ी पहले जल के फट सकती थी वो इतना टाइम लगता है इसको फटने में। मैंने सोचा था ये किल ना अपने रैंडम टीममेट को दे देते हैं, लेकिन ये भाई साहब खुद पता नहीं M24 चलाने में इतने ज़्यादा बिजी थे कि मेरे को भी गुस्सा आ गया। मैंने सोचा भाड़ में जाए, किल अपने नाम कर लेते हैं। अब जंकयार्ड की तरफ से हमको फायर शॉट्स के साउंड आते हैं, जहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से बंदे लड़ रहे थे, और यहाँ पर सीन देखना तुम क्या होता है। लिटरली यहाँ पर ये दोनों बंदे आपस में लड़ रहे थे, और ये जो बंदा था ना सीढ़ियों पर खड़े होकर नेट कर रहा था, इतना ज़्यादा मगन था ये नेट करने में, इसको पता तक भी नहीं चला रद्दी भर कि हम आ चुके हैं यहाँ पर पीछे की साइड, और इसी के चक्कर में इन लोगों की पेटी बन गई यहाँ पर। अब गाड़ी निकालते हैं सीधा बंदों के ऊपर, क्योंकि कुछ ही तो बंदे बचे हैं यार। इन भाई साहब को भी ना मेरी तरह जस्ट सेम एकदम रीलोडिंग वाली बहुत बुरी आदत होगी, तभी जस्ट एकदम मुंह के सामने रीलोड करने लगे ये लोग नहीं ये भाई साहब, मतलब 30 बुलेट निकले भी नहीं थे अभी इनके गन से, ये रीलोड करने लग गए, जिसके चक्कर में यहाँ पर इनकी पेटी बन चुकी है, और ये बंदा M24 से कतई बैक टू बैक पेटियाँ बनाया जा रहा था, और ये सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था, सबसे बड़ी ये बात है। अब फिलहाल देखो यहाँ पर लास्ट का सिर्फ एक ही बंदा बचा है, जिसे ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो जाती है, और एंड में जाकर ये बंदा दिखता है हमको। अब इस बंदे का किल तो मेरे को ही चाहिए था, क्योंकि इसको मैंने बहुत बुरी तरह से डैमेज दिया था, पहले इसकी गाड़ी भी फोड़ी थी, लेकिन इतने में मैं रैंडम भाई साहब क्या कहते हैं सुनो जरा। तो हमारे रैंडम भाई साहब की चाहत थी यहाँ पर इस बंदे को M24 से निपटाने की, तो हमने भी खुली छूट दे दी कि जा भैया मार ले यार, तू ले ले किल, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं रोते किल के लिए। तो अब देखो सीन क्या होता है यहाँ पे, ये गए थे M24 से निपटाने भाई साहब महान हमारे। मतलब बंदा S12 के लेकर ऐसे कैंप करके बैठा हुआ था, कंप्लीट पेटी बना के छोड़ी रैंडम की। तो आई होप कि मैं तुम लोगों को आज की ये वाली गेम प्ले वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, पसंद आए तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं किसी और नेक्स्ट गेम प्ले में तगड़े से, तब तक के लिए बाय।